हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्नैपचैट के पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो मैं सत्यम विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने टेक ग्लैड यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। स्नैपचैट को ओपन करने के बाद दोस्तों, अब देखिए आपके लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर आपके प्रोफाइल का आइकन बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, अब आपके राइट साइड पे सबसे ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो आपको इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब देखिए यदि आपको अपना करंट पासवर्ड पता है तो आप उसे यहाँ पे इंटर करके आप डायरेक्ट एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पे करंट पासवर्ड को इंटर कर दिया। ठीक, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आप यहां पास से एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको अपना करंट पासवर्ड नहीं पता तो आप देखिए यहां पे आपको फॉरगॉट योर पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बाय फोन और बाय ईमेल। तो आपको जो ऑप्शन सुटेबल लगे आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। मैं तो बाय फ़ोन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक, बाय फ़ोन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर। ठीक, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है और आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो सिंपली आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आप यह बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका पासवर्ड को चेंज करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक, तो चलिए वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे दो और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेंड बाय टेक्स्ट और कॉल मी। तो आपको अगर मैसेज के थ्रू अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है तो आपको पहले नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आपको डायरेक्ट कॉल के थ्रू अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है तो आपको सेकेंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं पहले नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने पहले नंबर के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसे यह ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अब आप यहाँ पास से अपने स्नैपचैट के लिए एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। और दोस्तों, आप जब पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने पासवर्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें कुछ स्पेशल करेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हैच हो गया, स्टार हो गया, इनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आपको कैसा पासवर्ड बनाना है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक पासवर्ड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई से भी एक लेटर ले लेता हूँ, कैपिटल लेटर पर। ठीक, तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक ए ले लिया कैपिटल लेटर पर। ठीक, और बी सी डी, इस तरीके से मैंने यहाँ पर चार लेटर्स ले लिए। ठीक, अब मैं कोई भी यहाँ पे स्पेशल करेक्टर जैसे हैच ले लेता हूँ। ठीक, हैच को लेने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स का भी यूज कर लेता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है। ठीक, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शो भी हो रहा है। ठीक, अब सेम पासवर्ड को मैं यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड के ऑप्शन पर इंटर कर दूँगा। तो ए बी सी डी और स्पेशल करेक्टर में हैच 1, 2, 3, 4। इस तरीके से मैंने इस पासवर्ड को यहाँ पे भी इंटर कर दिया। अब मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और हमारा यह पासवर्ड सेव हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने स्नैपचैट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।